जगह पर 93 तक हिंदू पक्ष पूजा करता आया, पूजा नहीं करने देंगे साहब, क्योंकि हमारी मर्जी है, कहा जाएगा कि हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया। रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हाँ, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हमने दर्ज अदालत की लड़ाई लड़ रहे ना, अदालती लड़ाई लड़ रही है, रोड की भी लड़ाई और यहाँ से अगर आप मेहरदीन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर भड़काने वाले आपके मेहरदीन सुनिए, वरना मुझे बाहर का रास्ता दिखाने आता है। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं फर्स्ट डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है राकेश पांडे और मौलाना के बीच में। दोस्तों ये डिबेट ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रही होती है, जिस पर कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि वहां पर पंडित जाकर पूजा कर सकते हैं। दोस्तों इस बात को मौलाना ना मानते हुए बल्कि हिंदुओं पर भड़क रहे हैं, जो कि हिंदू भी मौलाना से कम नहीं, इसलिए कोर्ट की बात तो उन्हें माननी ही होगी। दोस्तों इसी बात को लेकर आज की डिबेट होने वाली है। दोस्तों आज की डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सिंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट ने अगर इजाजत दे दी तो इजाजत होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं मेरा सवाल नहीं कोर्ट नहीं करता। सुनिए भाई, मगर जब कोर्ट ने फैसला दे ही दिया मस्जिदों में, आप रोकने वाले कौन होते हैं? शिवलिंग को या कोई भी रोकने वाला कौन होता है? रोड की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अदालत की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अच्छा, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बच पाएंगे नहीं? नहीं, रुकिए रुकिए, आज आप ये बताइए। रुकिए, नहीं नहीं, कादरी साहब एक चीज बड़ा क्लियर हो जाए, फिर 1 लाख बच्चों की लिस्ट है। अरे सुनिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए मेहरदीन सुनिए, वरना मुझे बाहर का रास्ता दिखाने आता है। गजब बेइज्जती है। नहीं नहीं, मुझे बाहर जाने से डरते नहीं, एक बात बताइए, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जो कह दिया हमारी मस्जिदों में क्यों लड़ने जा रहा है शिवलिंग? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पूजा करने रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कोर्ट क्या संज्ञा है? रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? हाँ, रोड की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? भड़काने चाहते हैं, हमने दर्ज कराएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। अदालत की लड़ाई लड़ रहे ना? नहीं, अदालत की लड़ाई लड़ रहे ना? लड़ेंगे, अदालती लड़ाई लड़ी है, रोड की भी लड़ाई होगी तो वो भी लड़ेंगे। भड़का रहे हैं और यहाँ से अगर आप मेहरदीन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर भड़काने वाली बात करेंगे, रास्ता बाहर है, सामने दरवाजा है, बात नहीं मेरे को, एकदम सामने दरवाजा है, एकदम सामने दरवाजा है, आप चले जाइएगा। ऐसे नहीं होता भैया। मौलाना अली कादरी जी, क्या इनकी बातें रोड पर उतरने की धमकाने वाली नहीं है? नंबर एक बात, नंबर दो बातें, सौहार्द की बातें करते हैं, लेकिन एक जगह पर 93 तक हिंदू पक्ष पूजा करता आया, पूजा नहीं करने देंगे साहब, क्योंकि हमारी मर्जी है, कहा जाएगा कि हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो खुद एक पॉलिटिकल स्टंट था। उस वक्त की जो राज्य सरकार थी, ये एक विवाद को जन्म देने के लिए वहां पर पूजा रोकी गई थी। अब वो पहले हिंदू पक्ष गया गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए, उसके बाद यहां से भी राजनीति शुरू हुई और उसके बाद में बोले कि जो है वजू खाने में शिवलिंग नजर आए। हम किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, अगर आपका दावा है ठीक है, उसको कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब वहां पर सर्वे रिपोर्ट में वजू खाने के मुतालिक जिसको शिवलिंग का दावा किया गया, वहां पर अब तक के कोई कोर्ट की प्रतिक्रिया उसके ऊपर नहीं आई। बिल्कुल ठीक। अब जो 1993 में 1993 में जो पूजा रोकी गई थी उसको कोर्ट ने करने की इजाजत दी और 7 दिन के अंदर कादरी साहब एक चीज बताइए, आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मेहरदीन साहब को सीखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो आपके हिसाब से सही थी या गलत थी? देखिए साहब, 1947 के कानून के हिसाब से जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था तो वही रहना चाहिए था, तो वहां पर नमाज भी हो रही थी, तो गलत गौरी श्रृंगार की पूजा भी हो रही थी, गलत फैसला है ना? रोकने वाला पॉलिटिकल स्टंट था। मैं तो गलत फैसला है ना, एक लाइन में कह दीजिए गलत फैसला। टू बी फ्रैंक गलत था। सीखिए मेहरदीन, बारोल आप पेटिशनर इस मामले में, क्या ये केस अब बिल्कुल सही रास्ते पर और यहां से जिस बात का दावा विष्णु जैन जी कर रहे हैं वो फैसला भी आएगा, क्योंकि ये उसी तरीके का फैसला है जैसे अयोध्या में ताला खुलने का फैसला था। हर एक हिंदू, हर एक सनातनी के लिए जो अपने आराध्य की पूजा करने के लिए तड़प रहा था, मर रहा था, उसके लिए वो इतनी कोशिश कर रहे और लड़ाई लड़ रहे, उसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद उनको सबसे पहले। दूसरी बात देखिए, हमने जिस तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम चले हैं और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, जो हमारी ओरिजिनल पिटीशन में थी उसमें भी हमने बोला था कि हमें पूजा का अधिकार मिले। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज थी जो तय कहा ना, जिसमें व्यास जी जैसे भी आप बात कर रहे थे, 93 तक वो उसमें रहते थे, उसमें पूजा अर्चना करते थे, उनको वहां से रातों रात
निकाल दिया गया, निकाल भी दिया गया, वहां पे पूजा बंद कर दी, श्रृंगार कुमारी की पूजा बंद कर दी, फिर वहां पे लकड़ी के जो है बैरिकेडिंग कर दी, उसके बाद स्टील के बैरिकेडिंग कर दिए गए और पूजा बंद हो गई। और उनको अगर आप देखते हैं तो वो तहखाना इतनी गंदी स्थिति में था जो अब एएसआई सर्वे में जो है साफ हुआ है। और अब साफ सफाई होने के बाद वहां पे कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पूजा अर्चना हो अब। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला है आजकल, हम बहुत खुश हैं इस फैसले से। मुसलमान क्यों बना रहे हैं राकेश जी? आज ही की खबर है मेहरदीन की भाषा आगरा में जो तस्वीर दिखाई उस पर भी बिगड़ गई। यही सीख कर आते हैं कि कौन चिंटू पिंटू मिंटू इस तरीके की भाषा है क्या? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, करोड़ों सनातनियों की आस्था की विजय हुई है। हम भारत भूमि भागवत गीता की भूमि है जो सेल्फलेस टीचिंग पूरी दुनिया को सिखाती है, कर्मण्ये वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने तो एकनिष्ठ भाव से कर्म किया है, बाबा विश्वेश्वर की कृपा हुई है, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का भारतवासियों का जो विश्वास था कि हमारे बाबा विश्वेश्वर वहीं विराजमान है। और इस समय इनका दायित्व ये बनता है कि सौहार्द और सद्भावना का परिचय दे, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करें, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना कि रोड पर आ जाएंगे, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था 1947 में, चाहते हैं बार-बार देश का बंटवारा हो, माहौल खराब हो। लेकिन हां, मैं इन्हें बताना चाहूंगी कि अब आप देश का माहौल खराब नहीं कर पाओगे, क्योंकि राकेश जी जब राम मंदिर का फैसला आया था ना, तब भी ऐसे लोग बाहर निकलकर आए थे जिन्होंने कहा था कि अब दंगे होंगे, अब ये होंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, कहीं दंगे नहीं हुए। अब इनको संभलना होगा, नहीं तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, सस्ती लोकप्रियता का तरीका है जो रंगरेज जी अपना रहे हैं, बहुत सस्ती लोकप्रियता। बात को आपका जो शुरू में ज्ञानव्यापी पे दावा था कि हमें गौरी श्रृंगार की पूजा से रोक दिया गया, और हमने खुद अभी कहा कि 1993 में जो रोका गया वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, मुलायम सरकार ने उसे रोका था। आज आपका दावा पूरा हो गया, आज आप लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कह दीजिए कि अब ज्ञानव्यापी का केस क्लोज है, हम पूजा करेंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो पहली पिटीशन थी वो सिर्फ श्रृंगार गौरी की थी, और जो आज भी आया वो सिर्फ तहखाने की पूजा है। ये तो उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई, पारू जी को बोलने दीजिए। और जो ना 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 ये बात नहीं, देखिए आपकी जो बात, आपका जो हक था, हमने उसकी तायीद की, देवी देवता जो ना हक है उसकी तायीद नहीं की जा सकती। और अभी ना 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 सुनिए मेरी बात, गौरी श्रृंगार की बात, वो पांच महिलाओं ने जो काम किया था गौरी श्रृंगार की पूजा पर, ना 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 ये बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बात नहीं होगी, मुझे एक पिटीशन ही नहीं पड़ी है वो। अरे आप 10 पिटीशन डालने क्या उसको मानेंगे क्या? पहली पिटीशन गौरी श्रृंगार की पूजा की थी, जो पांच महीने वो कह रही है आपने पूरी पेटिशन ही नहीं पढ़ी है पहली वाली। सर ये तो बाद में इंप्लीट हुई है, मैं आपको दे दूं, ये तो बाद में इंप्लीट हुई है। अच्छा चलिए, इस पर आएंगे, इस पर आएंगे। वाह क्या सीन है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि राकेश पांडे ने मौलाना की कैसी वाट लगाई है। दोस्तों इस वीडियो में मौलाना काफी भगभगा गया था, क्योंकि सच्चाई का ही जीत होता है। जब कोर्ट का फैसला आ गया तो मौलाना को शांत मारकर पूजा करने देने के लिए नहीं रोकना चाहिए। इसी बात को लेकर राकेश पांडे ने काफ़ी मौलाना पर भड़का हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपका इस वीडियो में क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।